बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। और माशाल्लाह जी, अज़ीज़ कट फार्म से आप देख रहे हैं शाम के मनाज़र हैं जी। शाम की फीडिंग नहीं है, बल्कि फीडिंग तो अभी डालेंगे थोड़ी देर तक। अभी जानवरों को है जो हमने शेड के नीचे से निकाल के बाहर बांधा है। माशाल्लाह मौसम बड़ा खूबसूरत है, ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल हैं साथ, तो माशाल्लाह जी। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बज़रिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो माशाल्लाह चेक करें जी, माशाल्लाह जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जानवर वंडे वाले हैं जिधर मैं फ़िलहाल हूँ। तो माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत तंदरुस्त फिटफाट हैं जी। अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जानवरों को तंदरुस्त और सेहतयाब रखे। तो माशाल्लाह जी, अज़ीज़ का फार्म पलाई सेंटर है और जानवरों की पलाई का काम करते हैं। माशाल्लाह दोस्त अक्सर पूछते हैं हमारी लोकेशन, तो लोकेशन हमारी है हासलपुर है, तहसील हमारी और ज़िला हमारा है बहावलपुर, और मुल्तान हमारी डिवीज़न है जी। बुद्ध मंडी और मदरसा मंडी हमारे करीब लगती हैं। ये पाकिस्तान की दो मशहूर मंडियां हैं, बड़ी मंडियां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ये जो बुद्ध मंडी है ये हमसे तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे है, और जो मदरसा मंडी है वो हमसे तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर है। तो माशाल्लाह जी पलाई का काम करते हैं। दोस्तों की जो शौकीन है कि घर की कुर्बानी हो उनकी, वो दोस्त लेकिन घरों में जगह नहीं होती या कोई इसी वजूहत की वजह से वो जानवर अपने घर में तैयार नहीं कर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इन ख्वाहिशात को पूरा करता है अज़ीज़ कट फार्म। तो माशाल्लाह जी अज़ीज़ कट फार्म का जो तरीक़ाकार है कि आप अपना बछड़ा लेके देंगे अज़ीज़ कट फार्म को, चाहे आप कहीं से भी ऑनलाइन ख़रीद लें और हमारे जो एड्रेस हमें बताया है इसके ऊपर उसकी डिलीवरी करवा दें तो बछड़ा जो है वो आपका हम तक पहुंच जाएगा। तो फिर हमारा जो काम है माशाल्लाह उसकी खिदमत करना, उसकी सेवा करना माशाल्लाह। तो जो 2021 तो ख़त्म हो रहा है माशाल्लाह, इसकी जो फ़िलहाल 2021 जब तक है, यानी कि 2021 की कुर्बानी तब जब तक है, तो तब तक है जी 11,500 रुपये। और जैसे ही ये बकरा ईद आएगी बड़ी ईद कुर्बानी की, तो इसके बाद हमारे जो चार्जेस होंगे पर मंथ के हिसाब से वो होंगे 12,000 रुपये फ़ी पुट्ठा एक महीने के। तो माशाल्लाह जी दोस्तों के घर की कुर्बानियाँ होती हैं जो इधर माशाल्लाह हैं, दोस्तों के शौक़ हैं पूरे करते हैं हम। तो माशाल्लाह आएँ विज़िट करें हमारा ये जो फार्म है बनाया हुआ अप्लाई सेंटर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तकरीबन बहुत ही अच्छे लेवल का जो है, आला म्यार का है, स्टैंडर्ड का जो प्लाई सेंटर है माशाल्लाह उनमें शुमार होता है। अज़ीज़ कट फार्म का स्टैंडर्ड माशाल्लाह पाकिस्तान का टॉप है, और म्यार भी माशाल्लाह आला है, और जो रेट हैं वो माशाल्लाह सबसे कम है हमारा। तो माशाल्लाह जी बड़ा खुला माहौल दिया हुआ है जानवरों को हमने, वसी है एरिया जो हमने चारदीवारी की हुई है और उसके अंदर प्लाई सेंटर के बछड़े छोड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो अगले साल की जो बुकिंग प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह जो पलाई का तरीक़ाकार है, तो मुकम्मल जो पलाई है वो पलाई है जो माशाल्लाह टोटल बांध के होगी। बांध के पलाई करेंगे, बांधने के बहुत से फ़ायदे हैं। कोई भी जानवर जो भी हो उसके ऊपर नज़र रहती है कि वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है और क्या कंडीशन है उसकी। अगर किसी एक जानवर को वैक्सीन करनी हो या कोई हाजमुल्ला की या कोई और चीज़ देनी हो तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादा जानवरों में से, जिस वजह से बांध के अप्लाई करेंगे तो हमें हर काम में आसानी होगी। वैक्सीन करने में भी हमें अगर किसी ख़ास जानवर को कोई दवाई शवाई या कोई वैक्सीन करनी हो तो वो भी हम उसे बांधे हुए को आसानी से कर सकते हैं। तो जब जानवर खुले होते हैं पकड़ना होता है, तो एक को पकड़ना होता है डरते सारे हैं, और फिर चोट लगने का बंदे को भी खतरा होता है खुद को और जानवर को भी चोट लग सकती है। लेकिन अभी माशाल्लाह हमारे जो बछड़े थे वो बड़े हो गए थे, अभी हमें भी एहसास हुआ कि ये जो है माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और
ना कि इनका नुकसान हो या बंदे का अपना नुकसान हो। तो उससे बेहतर है जी कि जानवरों की जो है बांध के पलाई की जाए। और दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों ने भी माशाल्लाह हमें मशवरा दिया कि बहुत अच्छा हमने डिसीजन किया है बांधने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बांधने के हमें रिज़ल्ट मिले हैं वो भी आपके सामने हैं। जो आप चीज़ कैमरे में देखते हैं कैमरे की आँख से, अगर आप ऑन ग्राउंड आके देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको कहीं बेहतर नज़र आएगी। तो माशाल्लाह जी, कोई भी दोस्त पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आना चाहे हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्री से भी दोस्त आते हैं, स्पेशल जब वो पाकिस्तान आते हैं तो अज़ीज़ कर फार्म को विज़िट करते हैं, देखते हैं, माशाल्लाह खुश होते हैं। और इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान से, कराची से बहुत सारे मेहमान आते हैं माशाल्लाह दोस्त हमारे, तो वो भी माशाल्लाह आते हैं, देखते हैं माहौल को, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जी। तो कोई भी दोस्त आना चाहे मोस्ट वेलकम, अज़ीज़ कर फार्म के दरवाज़े खुले हैं। अज़ीज़ कर फार्म आपका अपना प्लाई सेंटर है। जानवर चेक करें, हमारे जानवरों की जो शाइनिंग है वो चेक करें माशाल्लाह। जो इन्वायरमेंट दिया हुआ है, जो हमने जगह दी हुई है फी जानवर को, वो चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुश होंगे, जो हम अपना भूसा दे रहे हैं वो आउट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मकामी खेतों का जो भूसा होता है वो हम लेते हैं, फ्रेश होता है हर साल, तो पुराना भूसा नहीं लेते। और जो है सरसों का तेल है वो भी हम यहाँ से अपनी सरसों खरीद के मार्केट से उसका हम कोल्हू से निकलवाते हैं, वो भी खालस होता है। मकई भी यहाँ से जो मुकामी हमारे मंडियाँ हैं यहाँ से मुकामी आती है वही हम ख़रीदते हैं माशाल्लाह मकई। तो गंदम भी इधर की होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी चीज़ें लेकर डालते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम फार्म वाली ही से ही घर में वो चीज़ यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मियार है। तो माशाल्लाह जी, बड़ा तंदुरुस्त हैं जानवर, हेल्दी हैं, दोस्तों की दुआएं हैं जी। तो नंबर भी माशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, अगर किसी भी दोस्त को किसी भी किस्म की मालूमात दरकार हो तो वो इन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप की सहूलत है, व्हाट्सएप के कॉल कर सकता है। अगर कॉल नहीं जा रही है यानी कि आउट ऑफ यानी कि नेट से हैं हम, तो आप अपना मैसेज छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही फुर्सत मिलेगी या हमें आपका मैसेज मौसूल होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बरवक्त रिप्लाई दिया जाएगा। तो अगले साल के लिए जो बुकिंग है उसमें हम सब चारे वाले जानवर नहीं ले रहे, सब चारे वाले भी माशाल्लाह जानवर बहुत अच्छे हैं, जब से बांधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुके हैं, माशाल्लाह चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं पहले से। तो लेकिन जो वनडे का मुकाबला तो फिर सब चारा नहीं कर सकता, तो इस वजह से सब चारे पे हम ना ले रहे हैं पलाई के लिए बछड़े, और ना ले रहे हैं हम फीमेल ब्रीडिंग के लिए। तो माशाल्लाह कुछ दोस्त होते हैं जिनके शौक़ होते हैं कि वो कुर्बानी के लिए बछड़ी तैयार करें अपनी, हमारे पास ऑलरेडी भी काफ़ी सारी बछड़ियाँ हैं जो कुर्बानी के लिए हैं दोस्तों की आई हुई अज़ीज़ कर फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुर्बानी के लिए जो फीमेल हैं वो हम लेंगे, ब्रीडिंग का काम नहीं करेंगे। जुवेद साहब की है, ये भी कुर्बानी वाली है और वनडे के ऊपर है माशाल्लाह। तो अगले साल का जो पूरा प्रोग्राम है वो बांध के पलाई का है, और ओवरऑल जितने भी जानवर होंगे हमारे पास टोटल होंगे वनडे के ऊपर। तो ये अब्दुल मनाम साहब हैं जी माशाल्लाह कराची से, और ये जुनेद साहब हैं जी माशाल्लाह, ये उनकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आ गया जी नुमान साहब की है माशाल्लाह, इसके साथ ही मेला छोटी सी माशाल्लाह चोलिस्तानी। और ये इमरान इस्माइल साहब की है माशाल्लाह कराची से, इसकी भी बच्ची है और ये प्रेग्नेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास इधर भी माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं हमारे पास बछड़ियाँ जो बड़ी हैं, और कुछ अभी छोटी हैं वो अभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, काबिल ही नहीं हुई। तो माशाल्लाह जी कुछ कुर्बानी की भी हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास चाहे वो वनडे वाला जानवर हो, चाहे वो सब चारे वाला हो, बछड़ी हो, या कोई भी किसी भी कैटेगरी का जानवर हो जो पलाई के लिए आया हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये फ़र्क नहीं देखेंगे कि यार ये जानवर आपके चमक रहे हैं और ये वाले आपके जो जानवर हैं ये नहीं चमक रहे। जैसे हमारे वनडे वाले चमक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाइनिंग है उनके अंदर, वैसे ही हमारे सब चारे वाले भी चमक रहे हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जो जानवर हमारे वनडे वाले हैं उनको फीड की कमज़ोरी है जिसकी वजह से जो कुछ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा इशू नहीं है, चाहे वो हमारे सब चारे वाले जानवर हैं, जो भी विज़िटर आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो देखता है जानवरों को तो खुश होता है, जब उनको बताते हैं कि ये हमारे जो हैं सब चारे के ऊपर हैं तो वो उनकी शाइनिंग देख के माशाल्लाह तारीफ़ करता है जानवरों की। और ये मड वाले हैं माशाल्लाह, जो आता है माशाल्लाह इसमें तो वो इनको देख के माशाल्लाह बहुत तबीयत खुश होती है, और वो कहता है कि माशाल्लाह जो माहौल है जिसका फार्म का यहाँ से
वापस जाने को दिल ही नहीं करता। तो हवा माशाल्लाह बहुत खुली जगह है, हवा का क्रॉस है अल्हम्दुलिल्लाह, खुली हवा लगती है तो गर्मियों का भी ज़्यादा महसूस नहीं होगा। धूप जब सर्दियाँ होती हैं तो माशाल्लाह धूप भी आती है क्योंकि खुला ग्राउंड है हमारे पास। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है दवाओं की, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी दीजिए इजाज़त मुझे भी, और आप अपना भी ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अज़ीज़ केयर फार्म और उनकी टीम को। तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।